हाय मेरे YouTube फैमिली, तो यार कैसे हो आप सब। होप करते सो लोग अच्छे हो। तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन कार लेकर के, वो बेहतरीन कार तो ऐसे नहीं बोला जा सकता है क्योंकि गाइस गाड़ी जो नॉर्मली होता है वही गाड़ी है, पर इसमें बेहतरीन ये है कि टाटा नैनो के अंदर CNG लगा है। बिल्कुल आपने सही सुना यार, नैनो के अंदर CNG लगा है तो माइलेज काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो बहुत भाई लोग इस गाड़ी को लेना चाहेंगे, इसका प्राइस जानना चाहेंगे एंड गाड़ी का लोकेशन भी जानना चाहेंगे, तो सब कुछ बताएंगे यार। बस वीडियो के साथ आप बने रहो। गाड़ी में बता दूंगा इस बिल्कुल कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि यार कुछ टूट फूट ज़्यादा गया या फिर कुछ खराब हो गया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजन का बात करें यार, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको प्योर इंजन देखने को मिल जाएगा। वैसे नैनो का इंजन तो पता है पीछे है, तो आप देख नहीं सकते बोनट को ओपन करके हर गाड़ी की तरह। तो गाइस ज़्यादा बकवास हम नहीं करेंगे, यानी कि ज़्यादा आपसे बातें करके आपके टाइम वेस्ट को नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे अभी गाड़ी को देखेंगे एंड उसके बाद आपको प्राइस भी बता देंगे। पीछे से लाइट आ रहा है गाड़ी का, सो उसे इग्नोर करना यार, क्योंकि क्या है ना रात के टाइम पर वीडियोज बना रहा हूँ, लगभग 1 बज रहा अभी, तो काम पहले इंपॉर्टेंट है उसके बाद कुछ और काम, ठीक है। तो पहले मैं वीडियोज बनाऊंगा उसके बाद बाकी का काम करूंगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना पसंद हो तो बेशक कमेंट करो, ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि नाइट को मैं डेली घुमा करता हूं, तो अगर आपको चाहिए नाइट का ब्लॉग तो कमेंट करो यार, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए गाइस गाड़ी को देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप गाड़ी देख सकते हो, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है, यानी ब्लैक बम्पर व्हाइट में आपको बॉडी गाड़ी का देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा गाड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड वेरिएंट है, मतलब बेस मॉडल है। ओल्ड वेरिएंट का मतलब बेस मॉडल वाला गाड़ी है। सो इसके अंदर फीचर्स तो उतना ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ CNG लगा है तो समझ सकते हो यार क्या बात होगा। यहाँ पे आप पीछे में देख सकते हो, शीशे के ऊपर आपको CNG का बैजिंग देखने को मिल जाएगा पीछे का शीशा के ऊपर, तो आप समझ ही गए हो CNG है, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो टाटा का बैजिंग साथ में आप पीछे में देख सकते हो, नैनो 6 का वेरियंट का आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगा, इसका इंजन आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा, टेल लैंप भी काफी अच्छा है। फ्रंट का बात करें तो गाइस यहां पर फ्रंट और साइड लुक देख सकते हो गाड़ी का। टायर का बात करें तो टायर भी काफी अच्छा भी बचा है, 70-80% लगभग टायर अभी बचा हुआ है यार, तो टायर में नो डाउट। और फ्रंट का बम्पर भी आपको ब्लैक ही देखने को मिल जाता है। साइड लुक का बात करें तो ORVM आपको पीछे में देखने को, मतलब साइड लुक में एक साइड में आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि शायद से ORVM टूट चुका है, सो आप बाहर से लगवा सकते हो एज योर विश। एंड यहाँ पे एलॉय कवर का बात करें तो गाइस वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ इसी टाइप से इस गाड़ी के अंदर आया करता था एलॉय व्हील, एलॉय कवर कुछ भी बोलते होंगे यार उस चीज़ को, यहाँ पे आप देख सकते हो। अंदर इंटीरियर का बात करें तो इंटीरियर यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल गाड़ी है, सो फ्रंट में आपको पावर विंडोज तो देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ बैक में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे गाइस। फ्रंट का बात करें तो आपको 4 AC विंड देखने को मिल जाएंगे, जो जिसमें आपको 2 फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी विथ हीटर और कूलिंग दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में आपको म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा जो कि आफ्टर मार्केट भाई ने लगवा रखा है। फ्रंट में 2 बड़ा सा ग्लव बॉक्स है, साथ में दोनों मतलब आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, सो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप लुक देख सकते हो इंटीरियर का काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अब बात कर ले गाड़ी का और डिटेल का, तो टाटा नैनो 2014 मॉडल है, CNG गाड़ी का गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, XM वेरियंट है, प्राइस भी बताएंगे, टेंशन ना लो यार। 45,000 से फर्स्ट सिर्फ गाड़ी चला हुआ है, सो बहुत कम चला हुआ है यार, 50% पे भी गाड़ी नहीं चला हुआ है। एंड मैं आपको गियर बॉक्स बताऊं तो गाइस आपको मैनुअल गियर बॉक्स इसमें देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक में गाड़ी चाहिए तो कमेंट करो, रिव्यू कर दूंगा। ऑनर का बात करें तो गाइस सेकंड ऑनर गाड़ी है, आप लेने के बाद बन जाओगे थर्ड ऑनर। लोकेशन बता दूँ, मुंबई का गाड़ी है, भाई का कमेंट आया तो होने चाहिए थे मुंबई में ये गाड़ी, वो भी CNG वेरियंट, इस कारण से मैं रिव्यू कर रहा हूँ CNG मुंबई में, ठीक है। तो जिस स्टेट में आपको कोई भी कैसा भी गाड़ी चाहिए कमेंट करो, रिव्यू कर दिया करूँगा, ठीक है। तो गाइस मैं बता दूँ कंपनी फिटेड, इसके अंदर CNG लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट CNG नहीं लगा हुआ है। द ग्रेट वन ऑनर का नाम है, ठीक है, ऑनर का तो नाम नहीं, ऐसे ऑनर ने अपना नाम लगा रखा है, कुछ भी किया होगा यार, आई डोंट नो। अब बात कर ले इस गाड़ी का प्राइस का, तो गाड़ी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 रुपये है, जो कि नेगोशिएबल है, यानी गर्मी बहुत लग रहा है यार, गर्मी का मौसम आ चुका है, प्लस में रोड पर गाड़ी बनाना रिव्यू करना गाड़ी बनाना नहीं, तो भाई 1,15,000 इस गाड़ी का प्राइस है। सो प्राइस और कम हो जाएगा, प्राइस फिक्स नहीं है बिकॉज प्राइस नेगोशिएबल है, ठीक है। तो ऑनर से बात करने के ऊपर सब डिपेंड करता है प्राइस और कम कराने का, सो करना कुछ नहीं है आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। ऑनर मैन हूँ इस गाड़ी का, सीधा बता दे रहा यार, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मैं ऑनर हूँ और फिर मुझे वो कमेंट करते रिक्वेस्ट करते भाई प्राइस कम कर दो, तो यार मैं ऑनर नहीं हूँ, मैं बस रिव्यू किया करता हूँ, मैं एक पैसे कमीशन तक नहीं लेता गाड़ी आप लोग को दिलवाने का। तो आप डायरेक्टली ऑनर से कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉल करके ऑनर से बात करें, प्राइस पसंद आता है तो गाड़ी को बेशक ले लेना, अदरवाइज मुझे कमेंट कर दीजिएगा कोई भी गाड़ी चाहिए, मैं रिव्यू कर दूंगा। होप करते हो ये वीडियो अच्छा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना 1 लाइक जरूर कर दे, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में ज़्यादा मजा आता है। होप करते हो वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो 1 लाइक जरूर कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।